मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप गणित की कंसेप्ट मेरे साथ समझ रहे हैं, गणित की नई नई अवधारणाएं से परिचित हो रहे हैं। मेरी वीडियो को पूरी और अंत तक देखते रहिएगा और लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में क्या नया है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। कक्षा 5वीं चैप्टर 5 में घुमाव के बारे में बताया गया है, आकृतियां किस प्रकार से घूमती हैं, आइए देखते हैं। देखो मेरे हाथ में ये, ध्यान से देखिए, अंक है ये, आधा घुमाव। आधा कैसे घूमेगा, ये आधा घूम गया, पूरा कैसे घूमेगा? देखो अब जैसे ये आकृति देखो, इसको ध्यान से देखना आपने, पूरा घूम गया, देखो पूरा घूम गया, ये पूरा घूम के वापस यहीं पे आ गया, ये तो एक घुमाव हो गया। ये देखिए पूरा घूम, यहां से चली, देखो यहां से चली, ऐसे घूमते घूमते घूमते, ये यहां से चली घूमते 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 यहीं पे वापस आ गई, तो ये पूरा घुमाव हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये एक पूरा घुमाव, और इसमें आधा घुमाव कैसे आएगा, देखो ध्यान से देखना आपने, ये यहाँ पर ये ऐसे कर देता हूं मैं ताकि आपको पता लगे, ये आकृति ऐसे है। अब ये घूमी, ये आधी घूमी, देखो ये आधी घूमी, ध्यान रखना आपने, ये पहले ऐसे थी, ये इधर था, अब घूमी ये ऐसे हो गया, ये देखो ये आकृति ऐसे थी, और ये आधा घूमने पर ऐसे ये बिंदु यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार से आज हम आधे घुमाव पर चर्चा करेंगे। देखिए आपके अंग्रेजी के जो लेटर हैं, देखो ये देखो मैंने लेटर दिखाए गए हैं आपके पास, इनमें देखो आधा घुमाने पर कैसे बनेंगे, ये देखो एम है, ये डब्ल्यू है, ये एन है, ये ए है, जेड एस और आई, मैं इनको आधा घुमा देता हूँ, पूरा नहीं घुमाना आपने, आधा घुमाना ऐसे घुमाना देता, एक बार ऐसे घुमा दिया, आधा घूम गया ना, ये आई तो आई रहा, एस का एस रहा, जेड का जेड रहा, ए देखो कैसा उल्ट गया, और एन भी ऐसे ही दिखाई देता है, और ये पहले क्या था, अब देखो ये डब्ल्यू था ना, और आधा घुमाने पर ये एम बन गया, और ये क्या था, एम था, और आधा घुमाने पर डब्ल्यू बन गया। ये ध्यान रखना बच्चों आपने, इस प्रकार से आप अपने कॉपी पर लिखकर घुमाकर भी देख सकते हैं, ये आधा घुमाव है, क्या ये आधा घुमाव है। और ये देखिए इधर से अंकों में देखिए, ये 3 0 8 1 9 6 5, इनको आप आधा घुमा देते हैं, को ये घुमा दिया मैंने, ये देखो 5 कैसे हो गया, अब देखो ये पहले 6 था, अब घूमने पर ये 9 बन गया, 6 का 9 और 9 का 6 बन जाता है आधा घुमाव होने पर, एक हमारा ऐसे ही रहता, ऐसे रहता है, 8 भी ऐसे कैसे रहा, 0 भी ऐसे कैसे रही, और 3 ये उल्टा हो गया घूमकर, 3 वैसे का वैसा नहीं रहेगा, ध्यान रखना आपने, एक तो ऐसे कैसे रहेगा हमारा, और शून्य भी ऐसे कैसे रहेगी, 8 भी ऐसे कैसे रहेगा, जबकि 6 का 9 बन जाएगा, और बाकी सभी डिजिट अपने हिसाब से बदल जाते हैं। अगर आपने दो अंकों की संख्या लिखनी पड़े जो कि आधे घूमने पर वैसे के वैसे दिखाई देती है, तो क्या आएगी बच्चों, सोचो जरा, 11 आएगा ना, आधा घुमाएंगे तो ये ऐसे कैसे, ये हमारा रहेगा। अब ये देखो त्रिभुज, देखो त्रिभुज कैसे घूमेगी, ये त्रिभुज घूमने पर, आधे घूमने पर ये नोक आधे बिल्कुल ऐसे आधा घूमेगी, ये नोक नीचे की तरफ जाएगी, और जो नोक नीचे है ये नोक ऊपर की तरफ ऐसे चली जाएगी, यानी कि एक पूरा घूमने पर हमारी जैसी आकृति पहले थी वैसे ही बनेगी, और आधा घूमने पर आधी नीचे आ जाएगी। देखो बच्चों ये अंक किस प्रकार से घूम जाते हैं, जैसे देखिए आपने अंकों को उल्ट देंगे, अब हम देखिए संख्या कैसे बनती है, ये कितना आपके पास 10 और ये 69, अब मैंने इसको उल्ट दिया, देखो 69 ही रहा अभी, और 10 का 1 बन गया, तो ध्यान से देखना अपने बच्चों कि दो अंकों की संख्या में ये अंक भी बदल जाते हैं, ये आगे पीछे हो जाते हैं, जीरो देखो ध्यान से, अब एक इधर था, अब एक इधर चला गया, तो आपने आधे घुमाव में इस बात को ध्यान रखना, कैसे जैसे शून्य इधर थी, जब आधा घुमाव किया हमने तो ये इस इधर से घूम के इधर आएगा, ये आप ध्यान रखना, जब अगला चित्र जाएगा तो अगला चित्र अगर हम बढ़ाए तो कैसे बनेगा अगला चित्र, तो देखते हैं, ये देखो ये गोला कैसे आएगा, इसमें ये भी ऐसे आएगा, परंतु जो ये शून्य है वो घूमकर इधर आ जाएगी, यानी कि नंबर 3 पे हमारी सेम की सेम आकृति आपको मिलेगी। चलो और देखते हैं, जैसे ये देखो ये क्या है आपके पास नून और एस आई एस, इसको हम आधा घुमा देते हैं, देखो क्या रहा, अब भी एस आई एस पढ़ा जा रहा है और अब भी नून पढ़ा जा रहा है, यानी कि जो आगे वाला अक्षर यहाँ आ गया और बीच वाला अक्षर भी ये उल्ट गए, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला उधर चला गया और ये वाला उधर चला गया, अब इसमें और उल्ट, देखो ये देखो अब इसमें देखो जूम और ये एम ओ डब्ल्यू, इसको मैंने उल्ट दिया, देखो ये ऐसे था ना, जेड इधर था, अब ये घूम के जेड पीछे चला गया, यानी कि आधा घुमाव में जो आकृति इधर होती है वो घूम के उधर चली जाती है, ये देखो क्या बन गया, ये डब्ल्यू डब्ल्यू ओ जेड,
ये सेम नहीं पढ़ा जा रहा, और ये एम ओ डब्ल्यू था, ये अब भी एम ओ डब्ल्यू रहा। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इधर डब्ल्यू था ना, जब आधा घुमाव किया तो डब्ल्यू का एम बन गया और इस एम का डब्ल्यू बन गया उधर जाके। तो आधे घुमाव में आपने इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे देखो इसमें देखो, ये आधा घुमाव कर दिया हमने, ये उल्टा हो गया बिल्कुल सारा, ये सारी आकृति बिल्कुल बच्चे का सिर इधर और ये उधर। और क्या विशेष बात और भी है इसमें? अब ये देखो जब आधा घुमाव किया तो ये देखो इसकी पोजिशन ही चेंज होगी, अब ये इधर है तो अभी इधर ही इधर आ गई, यानी कि केवल ये इसके ऊपर नहीं आएगी, ये घूम के घूमा है ये इधर। तीन अंकों वाली संख्या का आधा घुमाव कैसे आएगा? ये तीन अंकों वाली संख्या 101, ये 6969 69 और ये 96। अब इसको मैंने आधा घुमा दिया, अभी 96 था, अभी आधा घूम के अब भी 96 ही रहा, अब ये 69 था, ये भी 69 ही रहा और ये 10 बन रहा। इस प्रकार से आप और भी देखेंगे, तीन अंकों वाली संख्या में 808, जब इसको हम आधा घुमाएंगे तो ये वाला 8 यहाँ आएगा, ये 0 यहीं के यहीं और ये 8 यहाँ चला जाएगा। जबकि और अन्य संख्याएं वो प्लस था, जैसे 609 है, क्या ये भी 609 रहेगा? सोचो जरा, सोचना है आपने, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि 9 जब इधर घूमेगा तो ये 6 हो जाएगा और ये 0 और ये 6 का 9 बन जाएगा, ये भी सेम रहेगा। अब चलो देखो 203, इसको देखो, ये तीन तो बिल्कुल उठ जाएगा ना, तीन तो बिल्कुल, तीन तो सेम आएगा, ये नहीं आएगा हमारा, ये ध्यान रखना आपने, क्योंकि 9 का 6 बन जाता है, 6 का 9 बन जाता है, 8 का 8, 0 का 0, 1 का 1 रहता है। घुमाव को आपने समझना है इसको, जैसे तीन का घुमाव मैंने बताया था आपको, कहाँ है जी, तीन का घुमाव दिखाया था मैंने आपको, अभी दोबारा दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखना, ये तीन है ना, ये तीन ऐसे है और ये तीन ऐसे होगी, तो तीन से कोई संख्या बनेगी नहीं, हमारे तीन तो बिल्कुल उठ गया, तो तीन का घुमाव में कोई स्थान नहीं बनेगा। तो इसे आधे घुमाव को आपने समझना है। अब हम 1/4 घुमाव के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आधा घुमाव समझने के बाद चलिए हम चौथाई हिस्सा, चौथाई घुमाव के बारे में चर्चा करते हैं। आप जानते हैं चौथाई क्या होता है? जब हम एक वस्तु के, ये देखो ये हमारे पास वृत्त है, इसके हमने 4 बराबर भाग किए तो इसको हम एक चौथाई कहते हैं, 1/4 हिस्सा, यानी कि 1/4। तो 1/4 घुमाव भी हमारा यही होता है कि यहां से कोई वस्तु चली और यहां पहुंची। जैसे देखो यार, क्या आधा घुमाव, देखो आधा घुमाव में मैंने क्या बताया था आपको कि आधा घूमगी, यानी कि पूरी आकृति घूमगी और ये आधे में शून्य यहां से आगे आधा, अगर दो बार हम आधा घुमा दें तो हमारी आकृति वही बन जाती है। देखो कैसे, अगर एक बार हम आधा घुमा दें तो देखो यहां से ये शून्य यहां, देखो सेम की सेम बनेगी, यानी कि दो बार आधा घुमाने पर एक आएगा, यानी कि दो आधे मिलकर एक बनता है। तो दो घुमा दी, इसमें चौथाई में देखो, ये यहां से देखो, अभी ऐसे घुमाया आपने, 4 बराबर हिस्से किए ना, अभी इधर आएगा और ये बिंदु इधर आएगी, फिर अगली आकृति में कैसे आएगा? ये अगली आकृति में घूमेगा, ये कैसे घूमेगा? चौथाई घूमेगा ना, तो ये नीचे की तरफ आएगा, ये नहीं आएगा, और ये शून्य यहां आएगी, फिर अगले आकृति में कैसे आएगा? ये ध्यान से देखना आपने, ये नहीं आएगा, कैसे आएगा? जो बीच वाला एरो है यहां से यहां चला जाएगा, ऐसे चौथा भाग घूमा है ना, और ये बिंदी इधर आ जाएगी। इस प्रकार से 4 बार, 1 2 3 तीन बार घूमा ना, अगर चौथी बार घूमेगा तो फिर हमारी वही आकृति हमें मिलेगी जो पहले थी, ये वाली आकृति घूमेगा, ऐसे आएगी। इस प्रकार से चौथाई भाग में 4 बार घूमने पर हमें वही आकृति मिल जाती है। देखो ये जैसे ये, फिर ये, फिर नीचे की तरफ, फिर इधर, फिर इधर, इन्हीं को ध्यान से समझना है आपने। चौथाई भाग कैसे घूमा है, यानी कि 4 चौथा भाग घूमा है, 4 चौथाई मिलकर एक बनता है, 4 चौथाई, 4 एक चौथाई इससे बराबर है, एक बनता है। इसको हम पहले आधा घुमाएंगे, ये ऊपर की एरो की जो इधर है, जब मैंने इसको आधा घुमाया, देखो ये भी इधर ही आ गई, ध्यान से देखो, आधा घुमाने पर ये वैसे ही दिखाई दिया, ये देखो ध्यान से, ये देखो आधा घुमा दिया, ये वैसे ही रहा। और चौथाई घुमाने में कैसे हुआ? जब चौथाई घुमाया मैंने तो ये देखो, ये यहाँ की चीज यहाँ चली गई, यहाँ की चीज यहाँ चली गई, और आधा घुमाने में देखो ये वापिस हो गया। तो इस प्रकार से आपने फैन के द्वारा भी घुमाव कर सकते हैं। चलिए अब हम एक तिहाई घुमाव के बारे में बात करते हैं।
एक तिहाई कैसे घूमता है, यानी कि तिहाई क्या होता है, तीसरा हिस्सा। हमने आकृति को तीन बराबर हिस्से में बांटा, जैसे यहां से चले तीसरा हिस्सा घूम, या तीसरे हिस्से पे यहाँ पे आए, फिर इसके बाद यहाँ आए। अब आप तिहाई घुमाव समझने के बाद एक बटा सिक्स घुमाव को समझिए कैसे होता है। एक बटा सिक्स तिहाई का आधा, जैसे तिहाई घुमाना है, इसमें देखो छठे भाग में छह बराबर हिस्से की, छह बराबर हिस्से कैसे होंगे देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ छह बराबर हिस्से कैसे कर लेंगे आपने। चलो चलो चलो, काट दिया ना, काट दिया। ये हमने छह बराबर हिस्से किए, कितने हिस्से किए, छह बराबर। जब कोई वस्तु यहां से चलकर यहां पहुंचेगी तो ये छठा भाग है, कितना भाग है, छठा भाग, छठा हिस्सा, यानी कि छठे हिस्से में करिए। देखो यहां से हमने इसको ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, जब कोई वस्तु यहां से चलकर यहां सरकी की, बहुत थोड़ी सरकी आ गई, तो ये एक बटा छह घुमाव है, कितना घुमाव है, ये एक बटा छह घुमाव। इसी प्रकार से आपने आधे, चौथाई, एक तिहाई और एक बटा छह घुमाव को समझना है और अपनी पुस्तक में से काम करना है।